तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये अब सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश में चेंज कैसे करते हैं वो बताए थे, और हमने आपको स्ट्रक्चर भी दिया था और सेंटेंस वहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड बताए थे। यहाँ पर हमारे कुछ सेंटेंस जो बचे थे वो उसके लिए हम पार्ट टू लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अवश्य अवश्य लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे बेल आइकन को पुश करना, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नए नए वीडियो देखने को मिलें। इस तरह से आपको, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको इसका एडवांटेज मिले। एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो टू सी दिस वीडियो। किशोर बियानी ने कौन सा बाजार बेचा है? अब आप कहेंगे बाजार कोई बेचता है क्या? बट आई एम करेक्ट हियर, क्योंकि किशोर बियानी के पास बिग बाजार, सुना होगा सबने, मॉल थे, बिग बाजार था, तो उनके पास बिग बाजार था, वो उन्होंने बेच दी, बिकॉज उनको लॉस हुआ था तो उन्होंने वो मुकेश अंबानी को बेच दिया, इसलिए उन्होंने बिग बाजार बेचा है। तो विच बाजार हैज किशोर बियानी सोल्ड? सेल फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड है थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन, मुकेश अंबानी ने कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं? बिकॉज ही इज द रिचेस्ट पर्सन इंडिया, सो हाउ मैनी फैक्ट्री, गिन सकते, काउंटेबल हैं, तो हाउ मैनी फैक्ट्रीज हैज मुकेश अंबानी एस्टेब्लिश, लगाना एस्टेब्लिश, थर्ड एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन मार्क। अनिल अंबानी ने कितना धन बैंकों से उधार लिया है? तो कितना धन, धन होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच मनी हैज अनिल अंबानी बोरोड फ्रॉम बैंक्स, थर्ड फॉर्म बोरो का, बोरो उधार लेना, बोरो उधार देना, लैंड। अब यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स हैं, मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, मैंने का आई हैव, अभी का जस्ट, जस्ट यूज करते हैं आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आई हैव जस्ट ईटन नथिंग, नथिंग ऑलवेज यूज आफ्टर द मेन वर्ब। उसने कभी कभी झूठ बोला है, कभी कभी समटाइम्स यूज करते हैं आफ्टर मेन हेल्पिंग वर्ब, ही हैज समटाइम्स टोल्ड अ लाई, टेल अ लाई फर्स्ट फॉर्म है, झूठ बोलना, टोल्ड अ लाई थर्ड फॉर्म है। नंबर सिक्स वन, मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया है, तो कभी नहीं का होता है नेवर, आई, मैंने कहा आई, आई हैव नेवर स्मोक्ड, नेवर यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट नंबर सेवन, सत्यम ने आज मुझे कुछ नहीं पढ़ाया है, पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया है, सत्यम हैज टॉट नथिंग मी, बिकॉज नथिंग यूज आफ्टर द मेन वर्ब, सत्यम हैज टॉट नथिंग मी टुडे। नंबर एट वन, लास्ट वन, मयंक ने आज शिवम को अपनी क्लास में स्वयं धमकी दी है, तो मयंक यहाँ पर स्वयं है, अपना अपनी है, इसमें रिफ्लेक्सिव और पजेसिव, मयंक हैज थ्रेटन्ड शिवम इन हिज क्लास हिमसेल्फ। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस अभी हिंदी से इंग्लिश के हैं वो यहाँ पर आपने देखे। अब इसके बाद हम इंग्लिश से इंग्लिश कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट हियर। फर्स्ट सेंटेंस, दे हैव फॉरगॉटन मी, चेंज इनटू नेगेटिव, तो यूज करेंगे नॉट को हम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, दे हैव नॉट फॉरगॉटन मी। सेकंड वन, वी हैव सीन द ताजमहल, चेंज करना है इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव में, तो हैव यू सीन, वी का यू, हैव यू सीन द ताजमहल, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, ही हैज फॉर गिवन मी, चेंज करना है इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, तो हैज ही फॉर गिवन मी। नंबर फोर्थ वन, मैनी किंग्स हैव रूल्ड ओवर इंडिया, यूज करना इसमें हु का, यूज ऑफ हु, तो हु के साथ आपको पता है हु इज ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट, हु में केवल हम हैज का यूज करेंगे, तो हु हैज रूल्ड ओवर इंडिया, क्वेश्चन में हैव का यूज है बट यहाँ पर हु के साथ हम हैज का यूज करेंगे, हैव का नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, मोहन हैज रिटन अ लेटर, यूज ऑफ हु, तो हु हैज रिटन अ लेटर। नेक्स्ट वन, विजय हैज टेकन मैनी बुक्स, यूज ऑफ हाउ मैनी, तो हाउ मैनी बुक्स हैज विजय। तो स्टूडेंट्स, द सन हैज राजन इन द ईस्ट, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है,
चेंज करना है इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसा पता है आपको प्रेजेंट सिंपल में यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं, पूरा सब्जेक्ट में मेन वर्ब में कुछ नहीं यूज करते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर हमने सन सिंगुलर सब्जेक्ट था तो राइज में हमने ईएस को जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, द सन राइजेज। अब इसी सेंटेंस चेंज करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इसमें इज आर एम का यूज करते हैं, सन सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर इज, द सन इज राइजिंग मेन वर्ब में एड करते हैं एस आई एन जी को यूज करते हैं इसमें, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल द स्टार्स हैव ट्विंकल्ड इन द स्काई, इसे चेंज करना है हमको प्रेजेंट सिंपल में, द स्टार्स फुल सब्जेक्ट है, ट्विंकल में हम एस या ई एस को यूज नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। अब सेंटेंस वही है, चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो द स्टार्स आर मैनी सो हियर यूज आर, वर्ब में आई एन जी, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। नाउ नंबर 9th एग्जाम्पल, ही हैज प्लक्ड फ्लावर्स, चेंज करना है हमें नेगेटिव में, नॉट यूज करते हैं आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैज नॉट प्लक्ड फ्लावर्स। नाउ नंबर 10th एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड मी, चेंज करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो माय फ्रेंड्स आर प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हेल्प थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी। नेक्स्ट वन सेंटेंस वही है, चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स आर, बिकॉज फ्रेंड्स आर मैनी सो हियर यूज हेल्पिंग वर्ब आर, माय फ्रेंड्स आर हेल्प आई एन जी हेल्पिंग मी। हमारा जो टेंस था पार्ट 2nd था प्रेजेंट परफेक्ट का, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कैसी भी है, यू कैन राइट मी इन कमेंट, सो आई विल सॉल्व ऑफ ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेंसेस। और हमारे वीडियो जो आपके पास कंटिन्यू आ रहे हैं उन्हें लाइक करना, कमेंट करना, ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें और इससे आपको बहुत अधिक एडवांटेज हो। थैंक यू वेरी मच।